नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रही हूँ शिक्षा प्रवाह में। दोस्तों, मैं करुणा इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले सिलेबस को आप अपने मोबाइल में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। 15 दिसंबर के बाद आप लोगों के प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने की संभावना है और प्री बोर्ड के बाद आपका बोर्ड हो जाएगा। प्री बोर्ड में आपका वही सिलेबस आता है जो बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो इस सिलेबस को आप लोगों को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल से और सेव रखना है और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है आप सभी को अपने बोर्ड एग्ज़ाम की। बेटा, इस वीडियो में क्लास फर्स्ट से लेकर के 12th क्लास तक आप अपने हर विषय के सब्जेक्ट के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शिक्षा प्रवाह पर अगर आप पहली बार आए हैं तो शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब आपको करना है इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। शुरू करते हैं किस तरह से आप लोग डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में अपना 2023 का सिलेबस। तो बेटा, सबसे पहले या तो आप अपने मोबाइल में गूगल पर आ जाएंगे या फिर क्रोम ब्राउज़र पर चले जाएंगे और वहाँ पर आपको टाइप करना है EduStud। EduStud जब आप लोग टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल दिखेगा। स्टूडेंट मॉड्यूल के पास ही आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म वाइज सिलेबस 2022-23 भी दिखेगा। अगर आपको ये नहीं दिखता है तो आप सीधा का सीधा स्टूडेंट मॉड्यूल पर जाएंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल पर बेटा जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा लॉगिन, एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन, हैप्पीनेस और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन आपको जाना है एकेडमिक एंड एग्जामिनेशंस पर। जब आप एकेडमिक एग्जामिनेशंस पर जाएंगे तब यहाँ पर आपको देखिए कितने सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर आपको एकेडमिक एग्जामिनेशन मटेरियल, तो यहाँ पर हम चले जाएंगे फर्स्ट पॉइंट एकेडमिक पे। जब आप लोग एकेडमिक पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सेकंड नंबर पर सिलेबस। आप लोगों को सिलेबस पर जाना है। जैसे ही आप सिलेबस पर जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने लगेगा और यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा टर्म वाइज सिलेबस 2022-23। यहीं पर बेटा आप लोगों को जाना है क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इसी तरह से ये आपका जा रहा है सिक्स, यहाँ तक कि सिक्स सेवन्थ का जो लेवल वन का सिलेबस है वो अलग है, लेवल टू का सिलेबस अलग है, क्लास नाइन, टेंथ, इलेवंथ, ट्वेल्थ। अब मान लीजिए आप क्लास टेंथ में पढ़ते हैं तो क्लास टेंथ के आगे जो ओपन लिंक है आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सभी सब्जेक्ट्स मीडियम वाइज खुलने शुरू हो जाएंगे। जैसे इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी हिंदी मीडियम में है, अब मैथ्स है, मैथ्स आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो समझिए मैथ्स हम खोल ले रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। तो जैसे ही हम इंग्लिश मीडियम में मैथ्स खोलेंगे तो जहाँ पर भी आपका सेव होता है PDF ड्राइव में या कहीं पर भी, जैसे मेरा ड्राइव में सेव हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, तो क्लास टेंथ का ये सिलेबस हमारे पास खुल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर चैप्टर 7, 8, 9, 12, 14 ये सारा आपका आ चुका है मिड टर्म में। ठीक है, मिड टर्म एग्जामिनेशन में आपका जो सिलेबस आ गया है वो ये है। अब मिड टर्म एग्जामिनेशन के बाद ये देखिए, मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ, ये जो मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022 है ये आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा चैप्टर नंबर 4, यानी कि आपका जो प्री बोर्ड और बोर्ड में है वो आएगा चैप्टर 4, 5, 10, इसके अलावा 13, 15 और इसी तरह से ये वाला सिलेबस आपका प्री बोर्ड में पूछा जाएगा और बोर्ड में पूछा जाएगा, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में और बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में यही सिलेबस आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ये है बेटा आप लोगों का सिलेबस 2023 एग्ज़ाम में आने वाला। अब समझ लीजिए आपने मैथ्स का देख लिया, अब आपको कोई दूसरे सब्जेक्ट का देखना है तो उसको आप कैसे देखोगे? तो उसके लिए आपको सिंपल बैक जाना है। जैसे ही आप बैक जाओगे तो आप लोगों के दूसरे सब्जेक्ट के सिलेबस यहाँ पर ओपन हो जाएंगे इंग्लिश और हिंदी में। समझिए अभी हमको सोशल साइंस यहाँ पर खोलना है और सोशल साइंस हम हिंदी में खोल रहे हैं। तो सोशल साइंस जो हम हिंदी में खोल रहे हैं तो ये आपका सिलेबस चल रहा है आगे, ये आपका बेटा फर्स्ट टर्म में आ चुका है यानी कि मिड टर्म एग्ज़ाम में आ चुका है।
ठीक है। और मिड टर्म एग्ज़ाम का आपका पेपर भी हो चुका है, तो वो इन्होंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया हुआ है, कैसे मध्यावधि परीक्षा। अब मध्यावधि परीक्षा के बाद का जो सिलेबस है, यानी कि ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये आपका आने वाला है प्री बोर्ड एग्ज़ाम में और एज वेल एज़ आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में। प्री बोर्ड एग्ज़ाम की संभावना आपकी मिड दिसंबर में है, संभावना हो रही है कि मिड दिसंबर से आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वार्षिक परीक्षा 2023 और प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका दिसंबर में होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको परियोजना कार्य वगैरह ये सब आपको हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है, जो आपका 5 नंबर का होता है, तो वो किस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ से खोल सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 12th में। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बैक जाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर हमारा 10th का सिलेबस खुला हुआ है, तो हमें दोबारा से एक बार हम बैक जाएंगे। अब हमको यहाँ पे क्लास 11th और 12th दिख रहा है, तो समझिए हमने क्लास 12th का सिलेबस ओपन किया। क्लास 12th में अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस, केमिस्ट्री और कुछ सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में यहाँ पर अवेलेबल है। तो समझिए हमने हिस्ट्री का खोल लिया, अभी हमने हिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम सिलेबस यहाँ पर खोला है। तो इंग्लिश मीडियम सिलेबस आप लोगों का ये जो आपके मिड टर्म में आया था वो वाले चैप्टर्स आपको यहाँ पर दिखने शुरू हो गए, और उन चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को कवर करने हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसी तरह से बेटा आप लोगों का मिड टर्म एग्जामिनेशन हो गया। अब मिड टर्म एग्जामिनेशन के बाद अब आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 13, 15, ये सारा का सारा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो इस तरह से बेटा आप अपनी हर क्लास का, फर्स्ट से लेकर के 12th क्लास तक के किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस बोर्ड एग्ज़ाम का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल में। बहुत इजी मेथड है। इसी के बाद बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न है, हर सब्जेक्ट का बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर है, पैटर्न है, जिसको हम CBSE सैम्पल पेपर बोलेंगे, उसको हम कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में और सेव रख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ बेटा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।